जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं नूरपुर थल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ अपने प्रॉपर्टी के कुछ मामलात की वजह से आना हुआ था। मौसम आज यहाँ नूरपुर का बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि आंधी आ रही है, और इस आंधी में हम आज आपके साथ यहाँ नूरपुर थल के मौसम के अंदर मुखातिब हैं। लेकिन इस मौसम, ये यहाँ का तो बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर का मौसम बहुत गर्म है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना का फैसला आ चुका है। और ये जो तोशाखाना का फैसला आया है, ये फैसला जो है वो उन्हें 3 साल के लिए सज़ा सुनाई गई है और 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। 1 लाख रुपया जुर्माना अदा करना है उन्होंने। और ये जो केस आया है, इसके मेरिट और डीमेरिट्स के ऊपर बात की जा सकती है। फैसला चूंकि आ चुका है, और क्या ये फैसला उजलत के अंदर आया है, क्या जज हमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ जितने पीटीआई ने जो इतराज़ात उठाए थे, वो इतराज़ात को ना इंटरटेन करना, उनको ना इंटरटेन करना जो है, ये क्या अदालत की कोई बदनीयती थी, इसके ऊपर मैं आपके साथ चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ। अब तक की इतलात हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। खान साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनका उनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, ज़ाहिर है इंतखाब के अंदर तो वो शायद मुश्किल होगा कि वो ख़ुद से इंतखाबी मुहिम चला सकें। वो अगर किसी अदालत ने इसको उनको रिलीफ ना दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो एक तासुर है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पीटीआई के लिए, उनको अगर उनकी जानिब से कोई उनकी तरफ एप्लीकेशन चली गई और उसके ऊपर उन्होंने कोई रिलीफ ना दे दिया, इस फैसले को कलदम करार ना दे दिया, तो ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं अब इंतखाबात के दौरान जेल में होंगे। और उसकी एक बड़ी पहली सीढ़ी जो है वो आज उसकी अनाउंसमेंट हो गई है, उसके ऊपर इमरान खान साहब का कदम ज़बरदस्ती रखवा दिया गया है। इमरान खान साहब ने तोशाखाना की चोरी की थी या नहीं की थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके और मेरे समझने के लिए। हम जितने लोग फाइलर होते हैं, हमें हर साल अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवानी पड़ती हैं, अपने असासों की इंफॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ती है। हम आम पाकिस्तानी हैं, आम सिटीज़न हैं, और हमें मेंशन करना पड़ता है कि हमने कहां से कमाया, कहां खर्च किया। लेकिन इमरान खान साहब जो कि मेंबर कौमी असम्बली भी थे, कोई भी सूबाई असम्बली का मेंबर हो या कौमी असम्बली का मेंबर हो, इमरान खान साहब समेत उन सब को अपने असासे भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और उसकी फहरिस्त हम हर साल देख भी लेते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको हमें बता भी देती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि खान साहब जो हैं वो उन्होंने क्या वो घड़ी जो उन्होंने इवेल्यूएट की थी, और वो इवेल्यूएशन भी उसकी प्रॉपर नहीं थी, कहा जाता है कि उसके अंदर उन्होंने कोई इवेल्यूएट करते हुए भी उसकी असल प्राइस नहीं लगाई थी, तो क्या ये इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इसमें कंसीलमेंट की है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने सही असासे डिक्लेयर नहीं किए, उन्होंने मामलात को प्रॉपरली जो है वो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए था वैसे नहीं बताया, तो जी हाँ ये बात ऐसे ही है। खान साहब ने 2 साल तक तो अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये बताया ही नहीं कि ये घड़ी जो है वो कैसी है और किस मद के अंदर ये घड़ी ली गई है, ये पैसे कहाँ से आए हैं, उन वो जो पैसे थे वो पैसे एग्जैक्टली वो उतने ही पैसे थे या ये पैसे कम थे, ये बात जो है वो खान साहब ने चूंकि नहीं बताई, और जब एक मेंबर कौमी असम्बली नहीं बताता तो ऑब्वियसली फिर उसको उसकी सज़ा तो होगी। इसको ये मत समझें कि ये मौजूदा हुकूमत ने को प्रेशराइज करके इमरान खान के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला लिया है। हाँ, इस फैसले को देते हुए जो जज थे उनके ऊपर जो तनकीद की गई है, उनके ऊपर जो इतराज़ात उठाए गए हैं, उनके जो फेसबुक पेजेस की पोस्टें जो हैं वो शेयर की गई थी, उन तमाम चीज़ों को जितने भी जो 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 कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ थी उनको चाहिए था कि वो उन तमाम चीज़ों को इंटरटेन करते हुए केस किसी और अदालत में मुंतकिल कर देते, लेकिन वो नहीं किया गया, और इन्हीं जज साहब ने उसको कंटिन्यू किया। तो जब इन्हीं जज साहब ने उसको कंटिन्यू किया तो फिर ये इसकी उस जो बुनियादी चीज़ है उसके ऊपर तो ज़ाहिर सवाल नहीं उठते, क्योंकि बुनियाद तो दुरुस्त थी कि खान साहब के ख़िलाफ़ एक केस खड़ा था, लेकिन इखलाकियात का तकाजा ये था कि किसी और जज के पास ये मुंतकिल हो जाता। बहरहाल अब इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सज़ा हो चुकी है, 3 साल की सज़ा ये सुनाई गई है, पाँच साल जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब लेट्स सी कि इमरान खान साहब को आगे रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन उनकी जमात अब शाह महमूद कुरैशी के पास है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर देखते हैं अब कि वो इस सारे मामले को किस तरह से लेके चलते हैं, जमात को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे,
टिकटें प्रॉपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्या आवाम बाय करेगी शाह महमूद कुरैशी के विजन को कि नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो हम बता रहे थे, मेरी जो राय है शाह महमूद कुरैशी के एतबार से, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आवाम जिस माली मुश्किलात का सामना कर रही है और इस मुश्किल में इन्होंने पाकिस्तान को, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, इन्होंने जो पाकिस्तान को धकेला है, इसके अंदर मैं समझता हूं कि इमरान खान जेल में भी हुए तो शायद उनको वोट फिर भी पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनके लिए शायद इतना टफ ना हो इस सारे मामले को लेकर। चला मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।